स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे पालक ओट्स वड़ा जो बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए इस हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पालक ओट्स वड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं ओट्स और एक कटोरी भिगी हुई दाल, जिसे मैंने 6 से 7 घंटे भिगोकर रखा था। लीजिए, मैंने पैकेट को काट के उसमें से आधा कटोरी ओट्स ले लिए हैं। और अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम ओट्स को थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए इस तरह से, इन्हें हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जब इसमें से थोड़ी खुशबू आने लग जाएगी और इसका जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे उतार लेंगे। लीजिए, अब हमारे ओट्स भून चुके हैं। देखिए, अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम गैस को ऑफ करेंगे, देखिए। और अब हम इन्हें ठंडा करेंगे। ओट्स को हम इसी पैन में ठंडा होने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि पैन गर्म है और ओट्स इसमें जल सकते हैं, इसीलिए हमने इसे एक प्लेट में डाल दिया है। पालक ओट्स वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी पालक और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 उबला हुआ आलू, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच दही, ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स। ये सारा सामान मैंने पालक ओट्स वड़ा बनाने के लिए लिया है। और सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे। देखिए, ग्रेट करने से जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाता है। लीजिए, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। और अब ओट्स ठंडे हो चुके हैं और अब हम उसे मिक्सी के जार में डालकर उसका एक पाउडर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से, लीजिए, मैंने ओट्स का पाउडर तैयार कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पालक ओट्स वड़ा बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। लीजिए, अब हम उसी जार में भिगी हुई दाल को भी डाल लेंगे और उसे भी पीस लेंगे। दाल को हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। लीजिए, मैंने दाल को भी दरदरा पीस लिया है और अब हम इसे एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। देखिए, लीजिए, मैंने दाल को एक बाउल में डाल लिया है और अब हम इसी में सारी चीज़ों को एक एक करके मिक्स करेंगे। लीजिए, मैंने ओट्स का जो पाउडर तैयार किया था उसे भी इसी में डाल दिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और पालक भी इसी में ऐड कर दिया है। बहुत ही टेस्टी पालक ओट्स वड़ा बनकर तैयार होगा। लीजिए, अब ग्रेट किया हुआ आलू भी इसी में डाल दिया है और अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच जो हमने दही ली है उसे भी ऐड करेंगे और अब हम इसमें सारे मसाले भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें अमचूर पाउडर, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से, जिससे कि जो ये सारे मसाले हैं वो इनमें अच्छे से मिक्स हो सके। देखिए, पालक ओट्स वड़ा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। लीजिए, अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे। एक साथ हम ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं डालेंगे, जितनी हमें नीड होगी हम उतना ही इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। ब्रेड क्रम्स का यूज़ हमने यहाँ इसलिए किया है जिससे कि जो ये सारा मिश्रण है वो अच्छे से बाइंड हो सके। देखिए इस तरह से, और अब हमने जो बचा हुआ ब्रेड क्रम्स रखा है उसे भी इसी में डाल दिया है और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बच्चे पालक वगैरह कम खाते हैं, तो हम उन्हें इस तरह की डिशेस बनाकर खिला सकते हैं और जिसे वो बहुत ही शौक से खाएंगे। और अगर आपका ये मिश्रण अभी भी बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और भी डाल सकते हैं
लीजिए, मैंने इन्हें तलने के लिए गैस पर तेल रख दिया है। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम इनके बड़े बना लेते हैं। बड़ा बनाने से पहले हम अपने हाथ को तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ पर लेंगे और इसे इस तरह से एक लोई बनाएंगे और अपने हाथ से चपटा करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए लीजिए मैंने इस तरह से एक बड़ा बना दिया है। इसी तरह से हम बड़े बनाने से पहले अपने हाथ को बार बार थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करेंगे, जिससे कि जो ये मिश्रण है वो हाथ पर चिपकेगा नहीं। देखिए इस तरह से हम इसे हाथ से चपटा करेंगे और फिर से इसी तरह से ही बड़ा बना लेंगे। देखिए, और अब हम इस सारे डो में से इसी तरह से ही बड़े बनाकर तैयार करेंगे। देखिए लीजिए, अब हम इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। लीजिए मैंने सारे बड़े बना दिए हैं और इधर से तेल भी गर्म हो चुका है और अब हम इन्हें इस तरह से डालकर गोल्डन होने तक तलेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर अगर हम इन्हें तलेंगे तो ये बाहर से तो एकदम से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हम इन्हें इस तरह से पलट पलट कर अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन होने तक तल लेंगे। लीजिए, अब ये दोनों बड़े अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे पालक ओट्स वड़ा बने हैं। देखिए इसी तरह से हम सारे बड़ों को तल लेंगे। देखिए लीजिए, अब मैंने सारे बड़े तल लिए हैं। देखिए, और मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पालक ओट्स वड़ा बनकर तैयार हुए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से, लीजिए मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।